सबके लिए बहुत अच्छी और बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल के हवाले से रेसिपी शेयर करूंगी आपके लिए, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये मैंने जो है कबाब फ्राई इन वहीद स्टाइल के मैं आपको बनाना बताऊंगी, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या लिया है, आधा किलो कीमा ले लिया, उसको बिल्कुल जो है चॉपर में बिल्कुल पीस लिया है अच्छी तरह। इसमें जाएगा क्या क्या, आधा कप दही है, एक स्लाइस है बड़ी प्याज है उसको स्लाइस कर लिए, एक से डेढ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक के हैं, वन टेबल स्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च, क्वार्टर टी स्पून हल्दी नमक, क्वार्टर हाफ टी स्पून हल्दी और नमक हसबे जायका। अच्छा, ये मसाले हैं इसमें थोड़े से, वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें 8-10 जो है होल रेड चिली है, 8 से 10 लौंग है, 5-6 छोटी इलायची है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है सफ़ेद, 15 से 20 काली मिर्चें हैं, 2 बादियान के फूल हैं, सॉरी 1 बादियान का फूल है जिसको मैंने छोटा छोटा कूट लिया है, 1/4 टीस्पून जो है जावित्री है पिसी हुई और 2 टेबल स्पून तकरीबन चने हैं, ये इनको हम रोस्ट कर लेंगे। करना कुछ भी नहीं है हमें, बहुत आसान है। सबसे पहले मैं इसमें दही डालूंगी, लहसुन अदरक डालूंगी कीमे में और ये वाले मसाले डालूंगी, और उसके बाद ये रोस्ट हुआ हुआ ग्राइंड करके वो भी मसाला शामिल कर दूंगी और 1 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट कर दूँगी। जो रोस्ट किया था वो मैंने पाउडर बना लिया, इसको ब्लेंड कर ग्राइंड कर लिया था, इसको अच्छी तरह पीस लिया बिल्कुल बारीक, और 1/2 टीस्पून जो है मैंने साबुत धनिया लिया, उसको भी रोस्ट करके उसको भी पीस लिया। बस अब हमने कुछ भी नहीं करना, इन सबको मैं मिक्स करूँगी। ये कीमा है, इसमें मैं दही शामिल कर रही हूँ पहले, उसके बाद लहसुन अदरक डालूंगी, ये रोस्ट ये डाल दूंगी, इसको मिक्स करूंगी पहले अच्छी तरह, इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम तकरीबन 1 घंटे इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे इसमें। बस अब हम इसमें ये लाल मिर्चें हल्दी और नमक भी शामिल कर रहे हैं, बस दोबारा मिलाऊंगी अच्छी तरह। इसको मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट करके रख रही हूँ, उसके बाद प्याज फ्राई करूँगी घी में और इसमें कोयले का स्मोक दिया जाएगा। तो रेसिपी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी रेसिपी देखिएगा एंड तक, आगे क्या करने वाली हूँ मैं। बस अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको कवर करके 1 घंटे के लिए रख रहे हैं ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छा, ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, अब ये थोड़ा स्किप हो गया था मुझसे, तो ये 2 टेबल स्पून मैं इसमें कच्चा पपीता भी मिक्स कर रही हूँ। बस अब हम इसको मिक्स करके अच्छी तरह मैरिनेट करके रख देंगे। तो ये देखिए मैंने जो है कोयले को जो है इसको थोड़ी देर के लिए उस पर रख दिया है फ्लेम पर, और अब मैं इसमें कीमे में इसको अंदर रख रही हूँ। ये देखिए मैंने इसके ऊपर रख दिया है कोयला, और अब मैंने इसके ऊपर ये स्मोक, और इसको हम कवर कर रहे हैं ताकि इसमें इसकी हीट लग जाए। तो ये देखिए अब मैंने पैन गरम है, पैन गरम करने के लिए रख दिया है मैंने। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने स्मोक दे दिया है इसको, अब तकरीबन 4 टेबल स्पून मैं घी के शामिल कर रही हूँ उसमें, ये क्योंकि ये घी में बनते हैं कबाब तो उसका जायका और निकलता है। ये देखें घी मेरा गरम हो चुका है, अब जो मैंने प्याज स्लाइस में काटी थी वो सब इसमें डाल रही हूँ। ये फ्राई हो रही है मेरी, तो ये देखें मेरी प्याज फ्राई हो रही है। मुझे प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इसको थोड़ी सी पिंक फॉर्म में रखना है। बस ये होने लगी, अब मैं इसको
एक दो दफ़ा और चमचा चलाकर मैं इसमें ये कबाब शामिल कर देंगे। सारा कीमा इसे बस अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। कवर कर रही हूँ। तो ये देखें पूरे हमारे जो है ये कबाब फ्राई बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं और ऑयल हमारा सेपरेट हो रहा है और ये बिल्कुल भुन चुके हैं। तो तकरीबन अब मैं 1 ग्लास इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। बस अब इसको 10 से 15 मिनट तक मैं दम पे रखूँगी और उसके बाद आपको डिश आउट करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक मैंने डिश आउट करके दिखा दिया है। कबाब फ्राई इन वहीद स्टाइल बहुत मज़े के हैं। जैसे ये देखने में वैसे टेस्ट में भी बहुत ही मज़े के बने हैं। आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा आपको कैसे लगे ये कबाब फ्राई। मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।